हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर्स क्वेरी। दिस इज़ रोहित, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। तो गाइस, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी अबाउट MBBS अब्रॉड इन दिस ईयर। सो मेरे साथ हैं सुधीर भैया और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे वो सब क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था बच्चों का कि इस बार एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशन्स के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में जो रशिया में हैं तो एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लाइक क्रीमिया फेडरल में अगर हम सबसे पहले फेडरल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में क्रीमिया फेडरल के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, फार ईस्टर्न फेडरल के स्टार्ट हो चुके हैं, कजान फेडरल के स्टार्ट हो चुके हैं, और एक यूनिवर्सिटी और जो आपने नाम भी नहीं शायद सुना नहीं होगा, उवानकांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है वो भी, उसमें भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। फिर अगर स्टेट लेवल पे हम आएँ तो कबरदिनो बाल्केरियन में स्टार्ट हो चुके हैं, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुके हैं, ओरनबर्ग में नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुके हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में हो गए हैं और एडमिशन लेटर इशू करना भी स्टार्ट, मतलब जून के फर्स्ट वीक से वो स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस, जैसे कि आपने सुना कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, सो विल ट्राई टू गिव अ लिस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। और या वी विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट देयर। ठीक है, तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाउ टू अप्लाई, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू वी नीड टू अप्लाई। देखो, एडमिशन अप्लाई करने के लिए वैसे तो 3-4 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें 12th की मार्कशीट, नीट रिजल्ट एंड पासपोर्ट, ये तीन बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने ज़रूरी हैं एडमिशन के लिए। लेकिन अभी नीट नहीं हुआ नहीं है तो नीट काफ़ी लेट है, जैसे कि अभी तक के हिसाब से 1 अगस्त को नीट होने वाला है, लेकिन हो सकता है पोस्टपोन भी हो। लेकिन उसके बिना भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एडमिशन अप्लाई कर सकते हो, 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड और पासपोर्ट अवेलेबल है तो पासपोर्ट के बेसिस पे। अगर पासपोर्ट अवेलेबल है तो फिर पासपोर्ट और मार्कशीट, अगर पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप आधार कार्ड भेज के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आपने कहा कि अभी नीट हो सकता है पासपोर्ट या फिर अभी जैसे है, तो इन केस अब जैसे कहते हैं कि एडमिशन होते नहीं है मैंने नीट के, और कोई कोई कहता है कि हो जाता है, तो मतलब क्या है कि होता है कि नहीं? देखो, ऑफकोर्स नीट तो मैंडेटरी है ही, विदाउट नीट तो एडमिशन होगा भी नहीं, कोई यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट नहीं लेगी। लेकिन क्या है कि अभी जैसे यूनिवर्सिटीज़ को भी पता है कि इंडिया में अभी लॉकडाउन चल रहा है तो नीट पोस्टपोन हो गया है, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेती है, रजिस्ट्रेशन कर देती है, एक तरह से सीट बुकिंग कह सकते हैं हम। उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी जो है बाकी की फर्दर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेती है, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम लास्ट ईयर भी ऑनलाइन हुआ था कोरोना की वजह से, इस बार भी ऑनलाइन ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जो बाकी अदर डॉक्यूमेंटेशन है, तब तक नीट का रिजल्ट नहीं आता तब तक वो उसको ख़त्म कर चुके होते हैं। तो जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद नीट का रिजल्ट आने के बाद सबमिट होगा, जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका एडमिशन आगे कंटिन्यू हो जाता है, और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उनका एडमिशन ऑन द स्पॉट वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो भैया ये था कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए थे और किसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब मेन क्वेश्चन है कि हाउ टू अप्लाई। वैसे देखो, रशियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का बहुत ईजी प्रोसीजर है। अगर आप किसी, आपको सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो उसके बाद जैसे कि हमने अपना एक वेबसाइट बनाई हुई है, वेबसाइट हमारी www.doctorsquery.com, आप उस पर जाके ऑनलाइन सेक्शन आएगा वहाँ पे कि अप्लाई ऑनलाइन, तो उसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की भी आपके पास ऑप्शन आएगी, तो डॉक्यूमेंट भी आप उसमें अटैच कर सकते हो, वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली हमारे पास आ जाएंगे, वहाँ से फिर हम डायरेक्टली उसको यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देंगे। अदरवाइज आप हमारे डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेजेस कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे आप डॉक्यूमेंट भेज के अप्लाई कर सकते हो। सो द इजीएस्ट वे इज टू अप्लाई थ्रू आवर वेबसाइट और आवर व्हाट्सएप नंबर, ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस, दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। यू कैन फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर इंस्टाग्राम पेज, आवर वेबसाइट एंड व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। Thank you.